Investment in securities market are subjected to market risk. Please read all the related document carefully before investing. हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेंड वाले टेक के एक नए वीडियो के अंदर। जैसा कि वीडियो का थंबनेल टाइटल आपने देख लिया है, वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एंजल वन के अंदर। अगर कोई स्टॉक आप सभी लोग पे लेटर को यूज़ करके खरीदना चाहते हो, यानी इसके MTF मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी को यूज़ करके खरीदना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में हम सारा कुछ बात करने वाले हैं MTF यानी पे लेटर के बारे में, किसको किसको ये मिल सकता है, कितना इसमें इंटरेस्ट लगता है, क्या चीज़ों का हमको ध्यान देना है, कितने दिनों तक हम इसको रख सकते हैं, कब इसको सेल कर सकते हैं, क्या क्या पेनल्टीज होती हैं, यानी सब टॉपिक पे हम इस सिंगल वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को देखिएगा अगर आपको एंजल वन के पे लेटर यानी जिसको हम कह सकते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी या MTF कैसे यूज़ करें, कितना इंटरेस्ट लगता है, सारा कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देखिए, मैंने यहाँ पे एंजल वन का एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो क्या देरी किस बात की है, जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी लोग एक नया अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ये देखिए, हमने अकाउंट यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर नीचे कुछ स्टॉक्स आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ, आप लोग इसको रिकमेंडेशन बिल्कुल भी मत समझिएगा। रिलायंस के शेयर को हम उठा लेते हैं एज ए एग्जाम्पल। तो इस पर मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए 2565 रुपये का चल रहा है, तो मैं इसके बाई पे क्लिक करूँगा। बाई पे क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे तीन ऑप्शन हमको बेसिकली यहाँ पे दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन हमको दिखाई देगा यहाँ पे डिलीवरी का। तो डिलीवरी में क्या होता है, जब आपको कोई शेयर एक दिनों से ज़्यादा, यानी एक दिन, दस दिन, सौ दिन, एक साल, दस साल, यानी जितने भी टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो आप डिलीवरी को ही कंसिडर करते हो। डिलीवरी में क्या होता है, अगर एक शेयर आपको खरीदना है ना तो उसका पूरा पैसा आपको देना पड़ता है। अगर ये रिलायंस का शेयर 2565 रुपये का है और इसके एक शेयर को आपको खरीदना है ना लॉन्ग टर्म के लिए, तो पूरे पैसे आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे ब्रोकर को, तो जाके आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर शो होगा, आप लोग उसकी डिलीवरी ले पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया डिलीवरी की बात। सेकेंड आपको दिखाई दे रहा है इंट्राडे का। तो इंट्राडे का झोल आप सभी लोग समझते ही हो, मैं झोल शब्द ज़्यादा ही कठोर हो गया मेरा, लेकिन इंट्राडे क्या होता है हमारा समझ लीजिए। इंट्राडे में बेसिकली हमको क्या करना होता है, जब मार्केट हमारा ओपन होता है 9:15 पे, तो उस टाइम चाहे हम खरीदें, चाहे हम 12 बजे खरीदें, चाहे 1 बजे दोपहर को उसी दिन खरीदें, हमको वो शेयर 3:15 तक बेच देना होता है। ठीक है, यानी सेम डे में हमने शेयर खरीदा और बाई किया हमने सेम डे में, और सेम डे में ही हमको सेल करना होता है, इसी को बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में फ़ायदा क्या होता है एंजल वन के अंदर, आप लोग 10 रुपया रख के भी यहाँ पे 50 रुपये का शेयर उठा सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 2565 रुपये का यहाँ पे रिलायंस का शेयर है, तो यहाँ पे देखिए मैं अगर एक शेयर इसका खरीदता हूँ, जैसे डिलीवरी में 2565 रुपये लग रहे थे, लेकिन इंट्राडे में क्या होगा, उसका 5x का मार्जिन यहाँ पे हमको एंजल वन देता है, तो उसकी वजह से 513 रुपये में ही हमारा काम हो जाएगा, हम एक शेयर को उठा सकते हैं इस दिन के लिए। और इसके लिए हमको कोई यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा इनको कोई ब्याज व्याज देने की जरूरत नहीं है, एंजल वन को बिल्कुल फ्री में ये प्रोवाइड करते हैं हमको। ब्रोकरेज लगता है, जो ब्रोकरेज इनका स्टैंडर्ड है वो लगता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी डिलीवरी और इंट्राडे शेयर्स की। तीसरे नंबर पे आता है हमारा पे लेटर। ठीक है, ये नया नया इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, पहले यहाँ पे मार्जिन ई मार्जिन करके था, MTF करके था, अभी इसका नाम बदल के पे लेटर कर दिया है। तो इसमें क्या होता है देख लीजिए, पे लेटर का आप लोगों ने बहुत यूज़ किया होगा, जैसे अमेजोन में है आपका, फ्लिपकार्ट में भी आपका जो है पे लेटर फैसिलिटी है। तो इसमें सिंपल सा प्रोसेस होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद लीजिए, अभी पैसे बाद में दे दीजिए। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, इसमें भी आप शेयर्स को खरीद सकते हैं, इसमें आप सभी लोगों को जैसे देखिए कई गुना मार्जिन दिया जाता है, जैसे कुछ शेयर के अंदर यहाँ पे 5x का मार्जिन देते हैं। ठीक है, यानी 10 रुपये रख के 100 रुपये पे 10 रुपये रख के आप 50 रुपये का माल खरीद सकते हैं। एंड यहाँ पे कई बार 4x का भी मार्जिन दिया जाता है कुछ शेयरों में, यानी 10 रुपये रख के 40 रुपये का माल खरीद लीजिए। इस तरह से 3x का भी मार्जिन होता है, 2x का मार्जिन होता है, एंड 1x का भी मार्जिन यहाँ पे होता है। यानी कोई फिक्स नहीं है कि 5 गुना ही आपको ये लोग पे लेटर का पैसा प्रोवाइड करेंगे, इसमें कम भी होता रहता है, शेयर वाइज ये डिवाइड करके रखा है इन्होंने। आप लोग इनका ज़्यादा जानकारी के लिए इनके साइट पे जाके चेक कर सकते हैं कौन से शेयर में कितना ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर ऐप खोल के भी आप देख सकते हैं। जैसे अभी देखिए रिलायंस में, तो ये इनका स्टैंडर्ड स्टॉक है और इसमें इन्होंने जो है 20% का यहाँ पे, मतलब हमको यहाँ पे 5x का मार्जिन देना है। ठीक है, यानी आप सिर्फ जो है 20% पे करके यहाँ पे 5 टाइम्स यहाँ पे शेयर्स उठा सकते हो। ठीक है,
जैसे 20 रुपया लगा करके आप 100 रुपये का शेयर उठा सकते हो, देख सकते हैं आप सभी लोग यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे पे लेटर का जो अधिकतम यहाँ पे मियाद है, यानी कितने दिन तक आप शेयर्स को होल्ड करके रख सकते हो, तो वो बात कर लेते हैं। तो देखिए अभी पे लेटर के अंदर जो है, एक तो हमारा 7 दिन का यहाँ पे प्लान है और उसके बाद दूसरा है 90 दिन का, यानी मिनिमम यहाँ पे आप 7 दिनों के लिए पे लेटर को यूज़ कर सकते हो और मैक्सिमम 90 दिन तक किसी शेयर्स को पे लेटर के थ्रू होल्ड कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक शेयर पे यहाँ पे क्लिक किया एंड मैंने क्या किया, इस पे बाई पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये ऑर्डर जो है हमारा प्लेस हो जाएगा और जितना पैसा हमारे में 513 रुपये रहता है, तो ये शेयर हमको बाई होके मिल जाएगा। अब आज के दिन ही शाम तक या कल के ट्रेडिंग शुरू होने से पहले आपको एक लिंक मिल जाएगी, जो जो शेयर आपने पे लेटर से खरीदा हुआ है उसका आपको लिंक मिल जाएगा, और आपको क्या करना होगा, उस पर लिंक पे क्लिक करके आपको प्लेज करना होता है वो शेयर, ठीक है। अगर आप प्लेज कर देते हैं तो आप उसको 90 दिन तक होल्ड कर सकते हैं अपने यहाँ पे एंजल वन के अंदर, लेकिन अगर आप प्लेजिंग नहीं करते हैं तो उसको 7 डेज के लिए ही माना जाएगा, यानी वो शेयर आपके अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक ही रह पाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई शेयर आज खरीद लिया और आपको मन है कि 3 दिन के बाद आपको लगता है कि भैया मेरे को इसको 90 दिन होल्ड करना है, मेरे को 7 दिन इसको होल्ड नहीं करना है, ऐसा नहीं चलेगा। आपको पहले दिन ही डिसाइड करना होता है कि आपको 7 दिन रखना है या 90 दिन तक मैक्सिमम रखना है, ये चीज़ आपको पहले से डिसाइड करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं भैया इनके जो है यहाँ पे चार्जेस की। तो देखिए जो प्लेजिंग करेंगे आप, जो शेयर आपने खरीद लिया प्लेजिंग करेंगे, प्लेजिंग करने जाएंगे, तो आपको 20 रुपया प्लस GFT लगता है, लगभग 23-24 रुपये के करीब आपको देना होता है, चाहे आप एक क्वांटिटी खरीदिए शेयर का, चाहे 100 क्वांटिटी यहाँ पे MTF के थ्रू खरीद लीजिए, प्लेजिंग का चार्ज सेम है, ठीक है। तो प्लेजिंग के लिए आप लोगों को 20 रुपया प्लस GFT देना पड़ता है। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, ये जो हमको एंजल वन मार्जिन दे रहे हैं पेलेटर के थ्रू, इसका हमको इंटरेस्ट कितना लगता है। तो मैं बता देना चाहूँगा, महीने का इसका जो ब्याज दर है वो 1.5% है, और इस तरह से सालाना की बात करें तो 18% का यहाँ पे आप पे ब्याज लिया जाता है जो पैसा आपको दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं और आपने क्या किया, 5x मार्जिन यूज करके यहाँ पे, मतलब कोई ऐसा शेयर खरीदा जिसमें 5x का ये मार्जिन दे रहे हैं, तो आपने 50,000 का शेयर उठा लिया। अब इस 50,000 पे ये ब्याज नहीं लेने वाले हैं 1.5% का महीना, ये 10,000 रुपये जो आपका था उसको काट के जो 40,000 रुपये इनका है उसके ऊपर ये इंटरेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट आपको कैसे देना होता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए आपने 1 तारीख को कोई शेयर खरीद लिया, ठीक है, 1 तारीख को खरीदा, उसके बाद देखिए जो आपका शेयर है वो आपके अकाउंट के अंदर जो है T+2 डेज के अंदर यहाँ पे, मतलब T+2 डेज के बाद ये लोग इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 1 से लेकर 15 तारीख तक जितना पैसा इनका इंटरेस्ट के रूप में बना वो आपके डीमेट अकाउंट के अंदर पैसा रहेगा तो उसको काट लेंगे, वरना आप इसको ऐड कर दीजिएगा बैंक यहाँ पे अपने डीमेट के अंदर, तो वो पैसा ये लोग काट लेंगे, ठीक है। 15-15 दिन के बेसिकली मियाद पे ये लोग अपना इंटरेस्ट आपके अकाउंट से काटते हैं, यानी 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जितना ब्याज हुआ वो काट लेंगे, एंड इसके बाद फिर 15 तारीख से 29 तारीख तक जितना ब्याज हुआ वो 29 तारीख को ये लोग काट लेंगे आपके अकाउंट से, ठीक है। अब इन केस क्या होता है, आपका जो है मैंने आपने जैसे क्या किया, यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे रिलायंस है, इसका क्या किया आपने 10,000 रुपये आपके अकाउंट में था और आपने क्या किया 5x का पूरा मार्जिन यूज़ करके 50,000 का शेयर आपने उठा लिया, ठीक है, 50,000 का शेयर आपने उठा लिया, एंड इसके बाद क्या हुआ, रिलायंस का शेयर 1% नीचे गिर गया, ठीक है। कोई भी नहीं चाहता कि शेयर जहाँ पे वो खरीद रहे हैं वो नीचे गिर गए, पर अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए शेयर का प्राइस नीचे गिर गया, तो 50,000 रुपये का 1% कितना हो गया आपका, लगभग 500 रुपये हो गया। तो 500 रुपये क्या हो गया आपका, शॉर्टफॉल अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैसेज वगैरह आ जाएगा, उसको आपको क्या करना है, फटाफट अपने डीमेट के अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। तो जितना भी शॉर्टफॉल का अमाउंट आता है, जो भी आपका मार्केट आपके विपरीत जाता है, पैसे आपका मार्जिन में नहीं रहता है, पूरा मार्जिन आपने यूज़ कर लिया, पूरा पैसा भी अपने अकाउंट का यूज़ कर लिया, तो आपको उतना पैसा अकाउंट के अंदर ऐड करना पड़ता है, ठीक है। जैसे देखिए मेरा अभी जो बैलेंस है वो माइनस में चल रहा है, तो ये शॉर्टफॉल का अमाउंट है, इसको मेरे को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होती है, अगर आप शॉर्टफॉल का अमाउंट ऐड नहीं करते हैं तो क्या होता है, जो आपका ब्रोकर है जैसे एंजल वन है, वो बैलेंस को जो है मैनेज करने के लिए आपके किसी शेयर्स को उतने भाव के शेयर्स को खुद ही बेच देगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, उसके बाद ही आप लोग पे लेटर को यूज़ करिएगा। एंड किसी के मन में भी किसी तरह की दुविधा है तो कमेंट की सुविधा हमारे नीचे दी गई रहती है, आप उसमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, भैया ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये चीज़ बता दीजिए, तो ज़रूर आपको बताया जाएगा। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।